फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम कैसे अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे फ्रेंड अपना जीमेल आईडी बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको भी बनाना है अपना जीमेल आईडी और आपको ये नहीं आता तो फ्रेंड आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड, जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन या फिर अपने लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे सर्च बार में लिखना है क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट लिख के सर्च किया, उसके बाद फ्रेंड आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक आपको दिख जाता है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, तो फ्रेंड आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होगा, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है क्रिएट एन अकाउंट, आप इस पे क्लिक कर दें। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, तो फ्रेंड आप यहाँ पे अपना नाम डाल दें, जो भी आपका नाम है फ्रेंड आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल दें और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे हमने अपना लास्ट नेम डाल दिया है। इनकेस फ्रेंड आपका सिंगल नेम है, यानी कि आपके नाम के आगे कोई भी सरनेम नहीं लगा हुआ है या फिर कोई टाइटल नहीं है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे सिंगल डॉट भी डाल दीजिए तो उससे भी काम चलेगा, या फिर कोई डिजिट लिखना चाहे फ्रेंड तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम क्रिएट करने बोला जा रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप अपना जो भी मेल आईडी बनाना चाहें फ्रेंड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड हम यहाँ पे अपना मेल आईडी बनाना चाहते हैं YT तौहीद, ठीक है, YT तौहीद 786, हम इस नाम से अपना मेल आईडी चलाना चाहते हैं फ्रेंड। तो उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे @gmail.com लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करने बोला जा रहा है, तो फ्रेंड आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लें। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कंफर्म में भी आपको सेम वही पासवर्ड डालना है। फ्रेंड हम यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहेंगे फ्रेंड कि आप अपना जो भी पासवर्ड बनाएं आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, उसमें फ्रेंड आप कैपिटल लेटर भी यूज करें, स्मॉल लेटर भी यूज करें, नंबर भी यूज करें और साथ ही साथ फ्रेंड उसमें आप एक या दो स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है फ्रेंड, यहाँ पे जो पासवर्ड हमने यहाँ पे डाला यहाँ पे भी फ्रेंड हमने सेम वही पासवर्ड डाला है। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया फ्रेंड, तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होके आ चुका है। अब फ्रेंड यहाँ पे हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम अपना फोन नंबर डाल देते हैं। फोन नंबर डालने के बाद फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकवरी ईमेल एड्रेस, तो फ्रेंड ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो किसी का ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अपना मंथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे डेट और यहाँ पे ईयर हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। चलिए फ्रेंड यहाँ से हम अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप सिंपली आपको यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही फ्रेंड आपके फोन में OTP चली जाएगी। तो फ्रेंड हमारे फोन में OTP आ चुकी है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना OTP डाल देते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे सिंपली जो वेरीफाई का नीचे ऑप्शन दिख रहा है, हमें इस वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आइए, नीचे आने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड हमने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ गया, मतलब कि फ्रेंड हमारा यहाँ पे जीमेल अकाउंट ओपन हो चुका है। फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि अभी आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखा रहा है। तो फ्रेंड आपको अपने जीमेल अकाउंट में जाने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है फ्रेंड जीमेल। उसके बाद फ्रेंड आपको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करते ही फ्रेंड आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख जाता है जीमेल बाय गूगल, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस पे है, जीमेल अकाउंट हमारा ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो सकता है कि आए, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन दिख रहा है तो आप इस रिफ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए।
तो फ्रेंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड अब आपको यहाँ पे इसके कुछ फंक्शन के बारे में बता देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आपको किसी को मेल करना है तो फ्रेंड यहाँ पे जो कंपोज का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड आपको उस पर्सन की, उस आदमी की ईमेल आईडी डालनी है जिसको आप मेल सेंड करना चाह रहे हो। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फ्रेंड अगर आप किसी भी तरह कोई फाइल अटैचमेंट मतलब अटैच करना चाह रहे हैं फ्रेंड तो आप यहाँ पे अटैच फाइल कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड तो ये आपको के कंप्यूटर पे ले जाएगी फ्रेंड। उसके बाद आपका कहीं पे भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है तो आप उस जगह पे जाकर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके और उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ से सिंपली सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपके मेल पे कहीं से मेल आया है फ्रेंड तो आप यहाँ पे इनबॉक्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि किसने आपको मेल किया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाता है सेंड मेल का, तो फ्रेंड इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपने जिस भी आदमी को, जिस भी पर्सन को मेल सेंड किया है तो वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बहुत और भी बहुत सा ऑप्शन है जैसे ऑल मेल, ऑल मेल पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड तो आपका सारा मेल यहीं पे दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे एक ट्रैश का ऑप्शन दिख जाता है तो फ्रेंड आप यहाँ से किसी मेल को डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड थोड़ा सा नीचे आइए फ्रेंड तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाता है मीट का, ठीक है, स्टार्ट अ मीट या फिर ज्वाइन अ मीट। फ्रेंड अगर आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू आप यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड आप किसी मीटिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं फ्रेंड तो यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आप किसी से पर्सनली अगर चैट करना चाहते हैं मेल पे फ्रेंड तो आप यहाँ से चैट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीखा कि अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप कैसे घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।